एक और एक्साइटिंग डे पीएसएल 4 का। आज दो मैचेस हैं, डबल हेडर है। पहले मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला है, उसके बाद पिशावर जलमी और क्वेटा आपस में टकराएंगे। तो दोनों बड़े एक्साइटिंग मैच हैं, चारों टीमें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर हम पहले मैच की बात करें तो कराची किंग्स और मुल्तान का जो मैच है उसमें कराची की इस दफ़ा बड़ी अच्छी अच्छी साइनिंग्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उनके पुराने प्लेयर्स हैं इमाद और बाबर, वो बड़ा उनका रोल है कराची की टीम के लिए। अगर वो परफॉर्मेंसेस करते हैं तो कराची को आगे ले जाने में। उसके साथ साथ इनग्रम मेरे ख्याल से एक ऐसा प्लेयर है, उनके ओवरसीज साइनिंग, जो इम्पैक्ट प्लेयर आप जिसको कह सकते हैं। और अगर हम बात करें कि यंगस्टर की, इमर्जिंग प्लेयर की, जिनको हम सब और आप देखना चाहते हैं, उसमें उमर खान और अबराज जो हैं, दोनों बड़ी अच्छी इनकी साइनिंग है, दोनों अच्छे स्पिनर हैं, तो बड़े अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं। तो देखते हैं आज उनकी कैसी परफॉर्मेंस जाती है। अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे हैं, पिछली दफ़ा के काफ़ी प्लेयर इन्होंने रिलीज़ किए थे, लेकिन जो प्लेयर साइन किए थे उनकी अवेलेबिलिटी का, किसी को इंजरी और किसी की अवेलेबिलिटी का मसला हो गया, तो काफ़ी इनको चेंजेस करनी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इनके पास तीन चार बड़े एक्साइटिंग प्लेयर हैं, शाहिद आफरीदी, आंद्रे रसल, शुएब मलिक, जो कि बड़े बेहतरीन कैप्टन हैं, और जो इनके इमर्जिंग प्लेयर हैं वो बड़े मुझे एक्साइटिंग नज़र आते हैं। मोहम्मद इलियास बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, फाटा से इनका ताल्लुक है, और बेहतरीन फील्डर हैं, बड़े माशाल्लाह फिट हैं। तो होपफुली ये कुछ इम्पैक्ट डालेंगे इस PSL 4 के अंदर। और प्लीज़, मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को इनको वॉच करना चाहिए। ये जो एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं जिसका मैंने जिक्र किया, उमर और अबरार कराची की तरफ से, और इलियास जो है वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से।